सांझौर जालौर से 150 किलोमीटर की रुखल है और जो रेलिया और खिरकारी एरिया वो करीब 120 किलोमीटर पर बैठता है। ऐसी स्थिति में हमें जो जिले की समझाती है, हम आपके पीढ़ियों तक हमारे जो सामने जो जनता बैठी है इनके आने वाले जो पीढ़ी तक आपको याद करेगी, कहती रहेगी गहलोत साहब प्रदेश के मुखिया थे, हमें सांसद को जिला घोषित किया। माननीय गहलोत साहब, यहां से शुरू करना चाहूंगा, आपने 10 से 18 में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, बहुत कुछ प्रदेश को दिया, साथ में जालौर को दिया, साथ में सांसद जो विधानसभा है, यहां जो चीज मैंने मांगी, जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, सड़क है, ट्रोमा सेंटर है, उप जिला अस्पताल है, पानी की स्कीम, जेजे स्कीम है, जो मांगी, जो काम मैंने आपके सामने रखा मांग की, वो तमाम जिले तमाम काम आपने मंजूर किया। आज कई 80% ऐसे काम है जो मौके पर पूरे हो गए, कुछ काम चल रहे हैं, कुछ पाइप लाइन में, ये पूरे आपको बहुत बधाई दूंगा कि जो काम पिछले 50 साल में नहीं हुए वो माननीय मुख्यमंत्री जी आपने 4.5 साल में धरातल पर करके दिखाए हैं। आपको पूरे पूरी जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में विकास की गंगा बही, उसके साथ साथ हमारे यहाँ किसी भी काम की कमी नहीं रही है। आपके आशीर्वाद से यहाँ जो पानी के प्रोजेक्ट है जेल है उनके तहत तमाम जो 4 प्रोजेक्ट है 3 प्रोजेक्ट मंजूर हो गए, उनका काम चल रहा है धरातल पे, और जो था जो प्रोजेक्ट है वो बकायदा टेंडर की स्कीम है, पानी के स्कीम जेल स्कीम के अंदर पूरा काम हो गया है। सर, जो हमारा शहर का मामला है, सांझौर शहर के अंदर 55 करोड़ की अकेले आपने अलग से स्कीम मंजूर किए, आने वाले 50 साल तक किसी भी चीज की सांझौर शहर की जरूरत नहीं पड़ेगी पानी के मामले में, वो स्कीम भी आपने मंजूर किए। साथ ही सांझौर के साथ जो नहर स्कीम है, आप पहले जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तब होती का आप पधारे थे, नहर से तो देखा था आपने, और जब हमें कॉलेज आपने दी, मैं आपको निर्णय करना चाहूंगा, मैं 71 के अंदर भीमवार कॉलेज में फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था, 48 साल बाद माननीय मंत्री मुख्यमंत्री आपने 2 कॉलेज सांझौर और चित्तरवाना 2 कॉलेज एक साथ लेकर के हमें पूरा आशीर्वाद दिया, जो IIT कॉलेज दिए, एक संस्कृत कॉलेज दिया, बाकी स्कूलें दी, सब सेंटर दिए, तमाम चीजें आपने माननीय मुख्यमंत्री मुहैया कराई है। साथ ही जीएसएस का काम हुआ है, बिजली का काम जहां तक मामला है, करीब 2019-20 के अंदर 22,000 कनेक्शन हुए, 3,000-4,000 कनेक्शन अभी हुए, अभी आपने वित्त घोषणा की थी, अभी आपने स्वीकृति जारी कर दी, और आज के आने वाले महीने 2 महीने के अंदर कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहेगा 5 की संख्या 5 के ग्रुप में जहां बिजली का कनेक्शन नहीं हो। सब जाते शिक्षा की थोड़ी कमी है, स्कूलें कम है, मुझे बड़ा लोग परेशान कर रहे हैं कि मुझे 12वीं स्कूल कराओ, क्योंकि बच्चे हैं वो जा नहीं सकती है, 8 दिन बाद ड्रॉप आउट हो जाती है, स्कूल छोड़ देती है। मैं साहब से निर्णय करना चाहूंगा कि बाकी जहां भी गांव में जाते हैं ज्यादा नहीं स्कूल है, वो कम संख्या में आप जरूर आशीर्वाद देंगे, ताकि लोग जो आए हैं स्कूल की मांग साहब ज्यादा है, क्योंकि आज चाहते हैं कि हर बच्चा बच्ची पढ़े, ये मांग आप पूरा करेंगे। अंत में मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जो तमाम लोग बैठे अभी जो सीएम साहब राज शिविर में गए थे, सभी जो लाभार्थी है, सभी लाभार्थियों से मिला, आज तमाम जो मेरे सामने बैठे हैं, आपके गांव में कैंप चल रहे हैं, राज शिविर महंगे राज शिविर चल रहा है, प्रशासन गांव के शिविर चल रहा है, आप लोगों ने कार्ड बनाए होंगे, बिजली आपकी 100 यूनिट से खुली है, आप लोग उससे खुश हो तो आपके 2,000 यूनिट कृषि की बिजली फ्री है, आपको 25,000 का चिरंजीवी बीमा है, आपकी पेंशन गहलोत साहब में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब 250 रूपये पेंशन की थी,
कंट्रोल बताने पर बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप जिला पढ़ने के बाद में पहली बार यहाँ बताए। लोगों बड़ा जोश है, जुनून है, बड़ा मतलब जब भी देखते हैं तो आपको एक बात के गहलोत साहब ने हमें जिला दिया है 150 किलोमीटर की दूरी में काम किए। आप अभी रात के लेक्चर कर रहे थे, सभी लोगों ने अपनी दुआ के साथ साथ जिले की बात की। सीएम साहब आपने जिला बनाया, जिला दे दिया, बहुत बहुत एहसान किया। आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप मैं पिछली बार जब सीएम साहब थे 8-13 के बाद में इसी मैदान में इसी जगह आप और चंद्रमान जी साथ पढ़ाए थे। ये आपके सामने भेटी हजूर था और गर्म दर से आपका स्वागत किया था। मैं पूरे विश्वास रहता हूँ आप तो तमाम लोग सामने बैठे, आप लोग को विश्वास रहो सीएम साहब को कि पूरे कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे। एक हाथ ताली बजा करके जोर से बोलो धन्यवाद, जय हिंद।